क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? चलो बाहर खेलने की जगह है। खेलने का चीज़ है? ये खेलने का चीज़ है। चलो 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 मेरे शेख प्रोटीन पीने। खोलो ये दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा, खोलो मेरे लिए। खोलो ये दरवाज़ा। शिट हियर फॉर टू मिनट्स। ओए ओए आजा, नया जगह खिलाता हूँ तुमको। क्या वजह से लग गया मेरे को? आराम से, किधर भी जाना है आराम से जाना। कैसे जाना है? आराम से लग जाएगा ना तुमको। दिन बाद जिम जाऊंगा, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद जिम। क्या प्रोटीन पिएगा? बॉडी बनेगा? पिएगा प्रोटीन? डरना नहीं अभी। किचन का प्ले टाइम हो गया अभी। किचन का प्ले टाइम कंप्लीट ना अभी। अभी हम कहाँ प्ले करेंगे? फाड़ दिया भाई। गाइस सुबह सुबह मैंने क्लास लिया, अभी मैंने प्रोटीन पिया, अभी एक घंटे में मैं जिम जाऊंगा। ओह शिट, किधर से तो भी फाड़ा है उसने, किधर फाड़ा है पता नहीं है, कहीं से तो भी फाड़ दिया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट नहीं वैसे, ये मेरा 14th एक्सपीरियंस है इससे मार खाने का। इंजेक्शन, ओह शिट, हाँ यहाँ पर दिख रहा है तुमको, थोड़ा सा खून निकल रहा है, दिख रहा है रोज के बाजू में। मतलब इसके मारने से खून निकल रहा है, मतलब जोर से ही लगा था, मैं फोकट आ ओ नहीं करता। क्या मार के क्या दिखता है ऊपर? मासूम जैसा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किधर मारा? करतब करता है मार के। ये सब तो चीज होता ही रहेगा, ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इसलिए YouTube। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, है कि नहीं? तुम अच्छा है कि नहीं? वापिस नेल मारने के रेडी होता है। मेरे को इसका टाइमिंग पता चल गया, तो टाइमिंग है इसका उसको उठाने का, उसके 3 सेकंड तक ये चुप रहता है, फिर बैक से नेल मार के भगता है किधर, और बहुत जोर से नेल मारता। भाई मेरा हार्ट पंक्चर कर दिया लगता है यहाँ पर नेल मार के इसने। थोड़ा एक घंटा रेस्ट है फिर जिम जाऊंगा। जिम जाने का मैं बोल रहा हूँ ना, इतना गर्मी, और ऊपर से मेरे जिम का मेंबरशिप भी खत्म हो रहा है कल। मैं सोचता हूँ कोई तो भी नए जिम में ज्वाइन कर लूँ। एक जिम में जब वर्कआउट करने से मेरे को बोर होता है। एक मतलब बाकी लोगों का कुछ कुछ थोड़ा ऐसा ये रहता है मेंटालिटी की, एक मशीनरी से जब तुम लोग यूज टू हो जाते हो फिर तुमको चेंज करने में डिफिकल्ट होता है। मेरा वैसा नहीं, मेरे को अलग अलग नए नए जगह पे करने का आदत है, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता था वर्कशॉप के लिए पहले, पैंडेमिक से पहले, तो मैं हर जगह पर वर्कआउट भी करता था जाके पर डे का पे करके। तो वहां पर मेरे को मतलब ऐसा मजा आने लगा कि हाँ यार अलग अलग एक्सरसाइज है, अलग अलग ये। खाली एक इशू होता है कि हर जगह के वेट्स का वेट अलग होता है, बट ठीक है चलेगा, देखता हूँ अच्छा मिला तो ठीक है, वरना यहीं पर जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को सस्ते में दे रहा है वो कंपैरेटिवली। कल मैं गया था एक जगह पर इंक्वायरी करने। आज किसी ने व्लॉग में कमेंट किया था कैट्स अपने बेड्स पे नहीं सोते। मेरा वाला तो अलग है, मैं अपने वाले को कैट नहीं बोला। मेरा वर्कआउट हो गया, अभी मैं थोड़ा सा अपना पार्सल लेने आया हूँ, 2-3 पार्सल है। बोले कि फिर घर जाऊंगा, प्रोटीन पीऊंगा, फिर सोचूंगा कि मेरे को जिम ये वाला ज्वाइन करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये जिम में मेरे को पता चला कि मेरा मेंबरशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मेरे को 18 का बोला था बट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो देखूंगा मैं। अंकल मेरा पार्सल आया होगा। जिम जाने वाले हो? मैं जाके आ गया, हो गया, खत्म हो गया हमारा मेंबरशिप। फिर बोल भी रहे थे कि आपका हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो हम लोग आपको 10,000 से कम में हम किसी को देते नहीं, बट हम आपको एकदम ही कम करके दे देंगे क्योंकि आप यूट्यूब भी करते हो। हाँ। सब ऐसा बोल रहे थे। मैंने बोला मैं पूछ के बताता हूँ, वैसा एक बार बात कर लेते हैं। चलेंगे ना? जिम से जाके घर आ गया, वही मैं बोल रहा था अंकल आंटी को, मेरे जिम वाले बहुत ही ज्यादा स्वीट है मेरे लिए इतना करने को, बट मेरे को कमिटमेंट से डर लगता है, इसीलिए आई थिंक कि मैं जिम चेंज कर लूँ। बोल दो, दूसरे जिम में मेरे को ऑलमोस्ट डबल पे करना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्टेशन लोगों का बढ़ा के कम से कम ऐसा अंडर प्रेशर तो नहीं रहूँगा वहाँ पर। अभी मेरा होमी है अपूर्व, उसकी तरफ से मेरे को एकदम कूल पैकेज आया है, उसका ब्रांड है टी शर्ट का, एक्सेसरीज का। टी शर्ट तो बड़े कूल है ये, उसके वॉइस राइट साइज वाले टी शर्ट बड़े पसंद है ये है। थोड़ा सा फोटोज खिंचाऊंगा बट कल खिंचाऊंगा मैं। और ये मैं बोल रहा था
रिंग्स आए हैं, इस क्वालिटी भी अच्छा है, नॉइस ना, बट सब थोड़े से बड़े आ गए हैं मेरे को, बट चलेगा, कलेक्शन के लिए अच्छा है। तब मेरे को थंब रिंग के साइज के आ गए, ये फिर भी ठीक है। तो अगर तुम लोग को चाहिए मैं इनका टैग कर दूंगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। भाई लोग ऑलमोस्ट ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, बट मैं एक इशू है जिसके बारे में एकदम दिल से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जरूरी है यार, क्योंकि कोई बात नहीं करेगा इस बारे में, है ना। तो रिसेंटली कल ही मेरे को एक हादसे के बारे में पता चला जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अनफेयर है। कौन सही है कौन गलत है नहीं पता, मैं वहां पर था नहीं तो मैं उसको जज करने वाला नहीं हूँ, है कि नहीं, इसमें लड़की भी इन्वॉल्वड है। तो जयपुर में ये चीज हुआ, बेसिकली मेरे को ऐसा ऊपर ऊपर से सुनने में आया, क्योंकि मेरा स्टूडेंट भी इसमें इन्वॉल्व था, है ना। अब मेरा स्टूडेंट इन्वॉल्व है तो भी मैं बोलूंगा नहीं कि मेरे स्टूडेंट इन्वॉल्व है वो सही हो सकता है, नहीं, मेरा स्टूडेंट भी गलत हो सकता है, बट मैं ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव देता हूं। तो क्या हुआ, एक इवेंट हुआ रहेगा जयपुर में जहां पर कोई जीता, तो वहां के लोकल्स ने उस विनर को बहुत मारा, ऐसा 25-30 लोगों ने मारा, उसको तो मारा ही, साथ में उसके फ्रेंड्स को भी मारा। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है मेरे को नहीं पता, फ्रेंड्स को मारा, फिर ये सारे फ्रेंड्स मिलके जिन्होंने मार खाया वो लोग गए पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए, तो पुलिस वालों ने इनको धक्का मारा, जेल में डाला और जेल में मारा। देखो बहुत ज्यादा सैड है ये चीज, मेरे को एकदम ज्यादा एम्पैथी है जिन पे भी फिजिकल असॉल्ट हुआ है उस चीज को लेके, मैं एकदम अगेंस्ट हूँ फिजिकल असॉल्ट के, कुछ भी हो जाए कितना भी बड़ा गलती हो कोई भी फिजिकली असॉल्ट नहीं करेगा इंसान को, तो नॉर्मल इंसान को तो नहीं करना चाहिए, आर्टिस्ट को तो सबसे पहले नहीं करना चाहिए, अपन तो मतलब बने ही नहीं है इस चीज के लिए, है कि नहीं। बट मैं ये सुन के ना एकदम ज्यादा शॉक नहीं हुआ था, क्योंकि ये चीज अभी हो रहा है बट मैंने ये चीज बहुत पहले फेस कर लिया है, समझ में आ रहा है। मेरे को शायद से मैं कहां गया था, सूरत या कहीं तो भी गया था, कोई तो भी गुजरात के स्टेट में था, 2016 में ऑर्गेनाइजर था, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, उसको मेरे को पैसे देने थे बैलेंस, तो पैसे ना देने के लिए उसने गुंडे बुलवाए मेरे को मारने के लिए, इवेंट खत्म होने के बाद वहां पर जितने भी पेरेंट्स बैठे थे उन सबको मैनिपुलेट किया कि सर ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे ऐसा वैसा, पेरेंट्स तो गुस्से में थे ही, मेरे को जब तक पता चला, फिर वहां पर एक मेरा फैन था तो उसने मेरे को बस में बिठा के भगाया है मुंबई, तो तुम लोग समझ सकते हो मतलब मैं कितना अनसेफ सिचुएशन से निकला हूं वहां से। मैंने स्टोरी भी डाला था बहुत पहले, क्योंकि तभी मैं यूट्यूब नहीं करता, ये 2016-2015 का बात है। फिर 2018 में भी मैं अहमदाबाद गया था जज करने के लिए, वहां पर भी मेरे डिसीजन के ऊपर बच्चे को नहीं जिताया मैं, उसके लिए मेरे को सारा लोकल मारने के लिए आ गया था, पेरेंट्स वेरेंट्स मारने के लिए आ गए थे, वो तो इवेंट का क्वालिटी अच्छा था तो मेरे को बाउंसर्स हायर किए हुए थे, तो मेरे को उन लोगों ने होटल तक सेफली पहुंचाया, बट मैं तो जज होने के बावजूद ये सब फेस किया हूं। आर्टिस्ट तुम पार्टिसिपेंट होके तो मेरे को बिल्कुल मतलब ऐसा शॉक नहीं हो रहा, क्योंकि इवेंट जितने भी अपने डांसर्स का इवेंट है जो भी है जैसा भी है सब कुछ बहुत ही ज्यादा अनसेफ हो गया है ना, बट इसका जिम्मेदार कौन है, ये सब जो हिम्मत आता है लोगों में उसका जिम्मेदार कौन है, तुम मैं हम सब, इनका गलती नहीं है, इनको हिम्मत कहाँ से आता है ये सब फालतूगिरी करने का, क्योंकि डांसर्स हम जो डांसर्स है हमारे पास है ना गोदा नहीं है, हमारे पास बैकबोन नहीं है सही को सही गलत को गलत बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वीडियोस डालते रहता हूँ इतना सब कुछ अवेयरनेस फैलाते रहते, एक लड़की एक इवेंट में जाके फिजिकली असॉल्ट करती है एक डांसर को, उसको कोई कुछ नहीं बोलता, लोग हंसते हैं, लोग ये करते वो करते, वो लड़की इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं लोग बेशरम जैसा जाते कि नहीं, तो अब उससे क्या होता है, नीडी क्यों है डांसर्स में तुमको बताता हूँ, क्योंकि हमको पैसे का जरूरत, ठीक है पैसे का जरूरत मेरे को भी है तुमको भी हम सबको है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपन जो लोग गलत है उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। अब क्या हुआ, वो डांसर चुप हो गया, लड़की इवेंट करवाती है हर जगह पर ट्रैवल करती है सब लोग उसको रिस्पेक्ट करते, सब लोग निग्लेक्ट इसके लिए करते क्योंकि हम नहीं थे वो जगह, समझ में आ रहा है, तुम नहीं थे वो जगह, तुम होते तो क्या तुम निग्लेक्ट करते, क्या तुम चुप रहते, क्या तुम उसके इवेंट में जाते सपोर्ट करने, नहीं, ये चीज है। अभी कैसा ये ऑर्गेनाइजर हो गए ये डांसर लोग हो गए, ये लोग मारते ये करते वो करते, हम क्या करते, हम वीडियो डालते हम स्टोरी डालते 24 आवर्स में एक्सपायर हो जाता है, पर्सनल अकाउंट में कौन जाता है इतना देखने के लिए, कोई नहीं जाता, लोग गॉसिप की तरह देखते, और क्या होता है जो ऑर्गेनाइजर ने मारा उसने कल को नेक्स्ट महीने में वो एक जैम करेगा जिसमें 15,000 कैश प्राइस रखे, हम पहुंच जाएंगे क्यों, क्योंकि हमको पैसे की जरूरत है, ब्लेम नहीं करता, जरूरत है बट मतलब बोलते हैं ना तब तक के लिए मत रुको, थोड़ा सा बैकबोन होना जरूरी है, इवेंट्स बहुत होंगे दूसरा भी होगा है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग है ना थोड़ा सा बैकबोन रखे अपना और स्टैंड ले, मैं किसी को भी प्रोवोक नहीं कर रहा कौन सही है कौन गलत है, तुम मेरे से ज्यादा दिमाग वाले हो ये चीज समझ में आ रहा है, मेरे से ज्यादा दुनिया तुमने देखा है, मैं तो घर बैठे बैठे खाली सुन के बात करता हूँ, तुम लोग वहां पर एक्चुअल में होते हो तुमको पता है क्या हो रहा है वहां पर, तो राइट स्टेप लो है कि नहीं, लोग स्कैम करते हैं और अभी लोग खुलेआम घूम रहे हैं क्यों, क्योंकि लोगों ने एहसास नहीं दिलाया कि तुमने गलत क्यों नहीं दिलाया, क्योंकि हम नहीं थे हमारे साथ स्कैम नहीं हुआ, तब तक के लिए मत रुको जब तक ये चीज तुम्हारे लिए हो,
समझ में आ रहा है। अभी मैं क्यों नहीं इवेंट पे इवेंट्स ऑर्गन, जब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ किसी किसी मैंने कोई तो भी एक अपने व्लॉग में बोला था कि मैं उन लोगों को नहीं सिखाता जिनको मैं नहीं जानता, तो किसी ने तो भी बोला कि ऐसे तो तुम किसी को भी नहीं जानते। फैक्ट्स है, मैं किसी को नहीं जानता, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे को नहीं पता है। मैं बहुत सारा चीजें फेस करके आया हूँ, समझ में आ रहा है, तो मेरे को पता है, तो मेरे लिए ये मेरा चॉइस है, मेरे लिए मेरा सेफ्टी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी मैं घर बैठे बैठे इतना बात करता हूँ, कल को मेरे को कौन मारने आ जाएगा मुझको पता नहीं। अब ये लोग का क्या है कि ये लोग के पास है नहीं, ठीक है, इनको पता है क्या करेगा, वीडियो डालेगा, लोगों को पता चलेगा, कल मैं 15,000 से 20,000 कर दूं, लोग पहुंच जाएंगे वहां पर, तो लोगों को भी जरूरत है। बट इसमें घाटा किसका होता है, अनसेफ कौन है, डेंजर में कौन है, मैं, है कि नहीं, मेरा हार्ट टूटा। ऑर्गेनाइजर का क्या हुआ, लोग जा रहे हैं, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, है कि नहीं, मेरा आर्टिस्ट चोरी किया, लोग पहुंच जाएंगे। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि तुम मत जाओ उस इवेंट, बट थोड़ा सा एक्टिव रहो। आज मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, कल तुम ऑर्गेनाइज, कल तुम्हारे साथ ऐसा हो, समझ में आ रहा। अब जैसे जयपुर में जो लोगों के साथ हुआ उसमें मेरा स्टूडेंट इन्वॉल्व है, इसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को भी नहीं जानता मेरे स्टूडेंट के अलावा, मैंने उसको बोला कि वीडियो बनाने बोल जिसके साथ हुआ है, समझ में आ रहा है। मैं किसी को नहीं जानता कौन जीता कौन हारा उसमें से, बट मेरे को एक एम्पैथी है कि उसके साथ ऐसा गलत हुआ, समझ में आ रहा है। मैं नहीं रुक सकता तब तक के लिए कि वो मेरे साथ करे, मेरे को पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है, किसने गाली गलौज किया, किसने ये किया, कौन फेयर था, मेरे को जो पता चलेगा गलत है मैं उसको नहीं सपोर्ट करूंगा, मैं उसको देखूंगा तक नहीं, समझ में आ रहा है। पैसे का जरूरत मेरे को भी है, बट पैसे से ज्यादा मेरे को अपने भाई लोगों का केयर है, अपने भाई लोगों के साथ जो हो रहा है, क्योंकि यार कल को आज उसने फेस किया, कल को मैं भी फेस कर सकता हूँ ये चीज, समझ में आ रहा। तो हिम्मत देना बंद करो लोग, थोड़ा सा स्टैंड लो। जयपुर के जितने भी लोकलाइट है प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, आई होप कि जस्टिस सर्व हो, जस्टिस नाम का कोई चीज बचा नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि जिन लोगों को मार खाना था उन लोगों ने मार खा लिया, जिन लोगों को गलत करना था उन लोगों ने गलत कर दिया। हम क्या कर सकते हैं आगे अपना फ्यूचर बचा सकते हैं कि किसी और के साथ ये चीज ना हो। तुम अभी वो चीज को वापस नहीं लेके आ सकते, वो मोमेंट को, वो मोमेंट चला गया, वो मोमेंट पे तुमने एक्शन नहीं लिया। मेरे को नहीं पता कौन कितना इंजर्ड हुआ है, किसको कितना लगा है, मैं बस होप कर रहा हूँ कि उसका फ्यूचर ना अफेक्ट हो, बस सैड है यार। गाइस हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारे बिल्लू के लिए ये दिया उसको सोने के लिए, बट हमारा बिल्लू तो बेड पे ही सोया हुआ रहता है। अरे उठ गया, हेलो, उठ गए तुम, तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। कौन है सबसे प्यार लेने वाला? हाँ कौन है सबका राजदुलारा? कौन है राजा बाबू? कौन है काने किसी नाम राजा बाबू कर दे तुम्हारा। हाँ कितना प्यारा है। मैंने बोला था ना हमारे लैंडलॉर्ड सबसे ज़्यादा स्वीटूश स्वीटूश। और बाकी सुबह को मैंने जो डांसर वाला वीडियो बनाया था वो एक्चुअली मैंने दोपहर को जिम से आके बना लिया था, क्योंकि रात तक मैं भूल जाता हूँ मेरे को क्या बात करने गए। अभी मैंने जस्ट वीडियो देखा दोनों भी साइड का, बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को दोनों के साइड में से कोई भी गलत नहीं लगे, सब लोग अपने अपने जगह पर सही है। एक चीज जो गलत था वो है मारामारी वाला, हमेशा से मैं इसके अगेंस्ट हूँ, अभी भी इसके अगेंस्ट ही रहूंगा। बात 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 तक खत्म हो जाती फिर ठीक था, हाँ जूनियर सीनियर जो भी जैसा भी है ये सब मतलब मैटर नहीं करता। हाथ उठाने पर जहां पर भी गया बात वहां पर गलत हुआ है कि नहीं। आई होप जितना भी लोग है राइट स्टैंड ले राइट चीजों के लिए। बाकी मेरा बच्चा भी उठ गया। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। हाथ टेढ़ा करके ही रहेगा आज के लिए। गाइस हम लोग इतना ही रखते हैं, आई गेस सबको राइट स्टैंड लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, है कि नहीं, लेना चाहिए कि नहीं। जो भी है जैसा भी है तुम लोगों को पता है तुम लोगों क्या करना है, तुम लोगों करने का लाइक शेयर कमेंट दुआ सब्सक्राइब जो भी है सब कर दो। अपन तुम लोगों को मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट टेक केयर बाय प्लीज। मुंह करके बताओ चोली के पीछे क्या है, चोली में दिल है मेरा, दिल है मेरा, ये दिल में दूंगी अपने यार को।